हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लव योर सेल्फ। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी पाइनएप्पल शीरा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। शीरा बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है एक कटोरी चॉप्ड किए हुए पाइनएप्पल और साथ ही में लिया है एक कटोरी पाइनएप्पल का पेस्ट। तो पाइनएप्पल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर हमने ब्लेंड कर लिया है और यहाँ पर लिया है मिक्स्ड नट्स। तो चलिए अभी शीरा बनाना शुरू करते हैं। चूल्हे पर हमने कढ़ाई को गर्म करने के लिए बिठा दिया था। कढ़ाई हल्का गर्म हो गया है, अभी हम डाल देंगे एक चम्मच घी। तो अभी घी में हम डाल देंगे एक कटोरी सूजी। मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक सूजी को हम भून लेंगे। तो देखिए सूजी अच्छी तरह से भून चुके हैं, अभी इनको कढ़ाई से निकाल लेते हैं। सूजी को हमने कढ़ाई से निकाल लिया है, अभी कढ़ाई में डाल देंगे पाइनएप्पल का पेस्ट, साथ ही में डाल देंगे चीनी। तो यहाँ पर हम 3 बड़े चम्मच चीनी डाल रहे हैं। कभी कभार पाइनएप्पल खट्टा होता है तो आप लोग उसी हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा डालिएगा। तो अभी हम डाल देंगे चॉप्ड किए हुए पाइनएप्पल और इनको सॉफ्ट होने तक हम पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो पाइनएप्पल के टुकड़े सॉफ्ट हो गए हैं और चीनी भी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अभी हम डाल देंगे 1/2 कटोरी पानी। तो अभी हम डाल देंगे सूजी और साथ में डाल देंगे मिक्स्ड नट्स। आप लोग अपने पसंद के हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो अभी सूजी को थोड़ा सा थिक होने तक ऐसे ही चलाते हुए हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। तो अभी हम डाल देंगे 4 से 5 कुटी हुई हरी इलायची। तो अभी सूजी में हम डाल देंगे और 1 चम्मच घी। तो देखिए शीरा बिल्कुल तैयार है, अभी हम गैस को बंद कर लेंगे और इनको सर्व करते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वाली रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो हम चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए।